नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगा जिनको आप अपने बाथरूम के अंदर डेकोरेट कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कुछ बाथरूम, जैसे कि पहले के जो बाथरूम्स होते थे वो छोटे होते थे, आजकल तो जो गांव होते हैं गांवों में जो है काफ़ी अच्छे जो बाथरूम है वो बने रहते हैं, तो उनके अंदर क्या प्लांट रखने की जगह भी होती है। और जो प्लांट्स जब आप उनके अंदर रखेंगे तो आपका जो बाथरूम है वो डेकोरेट भी अच्छा होगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा और वहाँ पर जो हवा है वो आपकी जो है शुद्ध हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट मैं आपको बताऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्योंकि बहुत सी क्वेरी मेरे पास ऐसी आती है जो वीडियो मैं डाल चुका सेम वही क्वेरी करते हैं, यानी कि उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होता है, तो रेगुलर वीडियो ज़रूर चेक किया करें। नंबर एक, एस्पैरागस। दोस्तों ये बाथरूम में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकती है क्योंकि बाथरूम के अंदर जो है ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, तो उसमें ये अच्छे से ग्रो करती है। ये एवरग्रीन प्लांट है, पूरा हरा रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पास भी है, मैंने पहले हैंगिंग पॉट में इसको रखा हुआ था, बाद में मैंने इसको एक सिंपल पॉट में रखकर मेरे गार्डन एरिया में रख दिया है, जो कि अब अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसे खिड़की से आने वाली रोशनी वाली जगह पर रख दें ताकि इसको हल्की रोशनी मिलती रहे। इसे दो साल में एक बार आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो जल्दी फैलती है और इसकी टाइम टू टाइम आपको प्रूनिंग भी करनी होती है। कुछ इसकी जो ब्रांचेज जो ड्राई हो जाती है उनको निकाल दे ताकि आपका जो प्लांट है वो हरा भरा दिखे और काफ़ी खूबसूरत लगे। इसको आप चाहे तो हैंगिंग पॉट में लगा के भी अपने बाथरूम में लगा सकते हैं, या एक छोटे पॉट में लगा कर भी कहीं भी बाथरूम में जहाँ पे कुछ रखने की जगह हो वहाँ पे उसको रख सकते हैं। नंबर दो, एलोवेरा। एलोवेरा प्लांट के बारे में सभी जानते हैं, ये एक बारहमासी पौधा है, ये एक हर्ब भी है। इसे आप एक छोटे प्लास्टिक के या सर्मिक पॉट में लगाकर अगर बाथरूम में रखेंगे तो ये काफी अच्छा लुक देता है। ये पौधा दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, साथ ही ये बहुत उपयोगी भी है। इसे हिंदी में जो है हम यहाँ पे ग्वार पाठा बोलते हैं। जब आप इसे बाथरूम में रखें तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसे अच्छी ब्राइट लाइट जरूर मिले। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इस पौधे को ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, तो ये काफ़ी दिन तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर जाता है। पौधा जब आप रखें तो उसको क्या है, दो या तीन दिन में एक बार आप घुमा दें, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दें ताकि पौधा जो है वो चारों तरफ से जो है ग्रीन एक कलर का बना रहे और उसकी शेप जो है वो भी अच्छी बनी रहेगी। ये मेथड आप सभी पौधों पर करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा करने से ये होता है कि पौधा जो है जिस साइड से धूप आती है उस साइड ग्रो करता है, तो इस तरह से पौधे की जो शेप है वो खराब हो जाती है। इसलिए पौधे को जो है घुमाते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा दो या तीन दिन में, जिससे कि उसकी शेप और जो कलर है वो बना रहे। नंबर तीन, ड्रेसेना। ड्रेसेना एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये कम रोशनी में उगने वाला पौधा है। इसकी बहुत सी किस्में होती है, मेरे पास भी इसके दो तीन वेरायटी है। इसे आप अपने बाथरूम में लगा सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। इस पौधे को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके गार्डन में लगा हुआ है पहले से ही तो इसकी एक कटिंग ले लीजिए, उसको लगा दीजिए, कुछ दिनों में इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप इसको अपने बाथरूम में रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक छोटी पॉट में लगा सकते हैं, वैसे ज्यादातर इसको एक बड़े गमले में लगाकर कॉर्नर में लगाया जाता है। नंबर चार, मनी प्लांट। मनी प्लांट सबको पसंद है और इसको ग्रो करना बहुत ही ईजी है। इस पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको सोइल में लगा के ग्रो कर सकते हैं, या आप इसको पानी में रख देंगे तो भी ग्रो हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो बाथरूम के अंदर एक जो है कांच का कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर पानी डालकर इसको रख दीजिए, लेकिन उसके अंदर आपको बार बार जो है पानी चेंज करना होगा, दो या तीन दिन में कम से कम एक बार पानी चेंज करना होगा। या आपके पास ये पोटेड प्लांट है यानी गमले में लगाया हुआ है तो भी इसको रख सकते हैं। इसकी भी काफ़ी वैरायटी आती है, कुछ इसके पत्ते जो है काफी बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो जो छोटे पत्ते वाली जो होती है वो आप उसको ऊपर कहीं पे हैंग कर सकते हैं ताकि जो है स्पेस भी कम लगे और आपका जो प्लांट है वो दिखने में अच्छा भी लगे। दूसरी इसकी जो बड़े पत्ते वाली जो मनी प्लांट आती है, अगर आपके बाथरूम में स्पेस ज़्यादा है तो आप उसको एक पॉट के अंदर लगाकर और जो मोस्टिक है वो जरूर लगाएं और उस पर उस प्लांट को लगा दें, तो उससे क्या है मोस्टिक पूरी उससे ढक जाएगी और जो प्लांट है दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। नंबर पाँच, स्नेक प्लांट। ये पौधा अपनी खूबसूरती और कम देखरेख के लिए काफ़ी प्रचलित है, साथ ही ये हमें रात में भी ऑक्सीजन देता है, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। ये स्मॉल साइज में भी आता है, नर्सरी में आप जाएंगे तो छोटे पॉट्स के अंदर ये पाता है जिसका साइज छोटा होता है, और एक दूसरा आता है जो बड़े होते हैं जिनको बड़े पॉट में आप लगा सकते हैं। तो आप बाथरूम में स्पेस के हिसाब से लगा सकते हैं, अगर स्पेस कम है तो जो छोटा वाला आता है वो काफी खूबसूरत लगता है। और ये कलर के भी अलग अलग आते हैं, जैसे एक येलो बाउंड्री होती है वो वाला होता है, एक जो ग्रीन होता है वो होता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो ले आइए। छोटे पॉट में लगाकर आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, बाथरूम के अंदर कोई स्लैब वगैरह है तो आप वहां पे भी इसको रख सकते हैं। इस पौधे को पानी की कम जरूरत होती है, यह कम रोशनी में भी सर्वाइव कर लेता है। नंबर छह, क्रोटोन। ये पौधा बहुत कमाल का है, कुछ दिन पहले मैं क्रोटोन का
एक पौधा जो है नर्सरी से लेके आया था। मैं एक पौधा लेके आया था लेकिन उसके अंदर क्या है, तीन कटिंग लगी हुई थी, यानी कि जब नर्सरी वालों ने लगाया तो तीन कटिंग एक ही पॉलीथीन में लगाई हुई थी। तो मैंने उसको यहाँ पे लाकर निकाला और उसकी तीनों कटिंग जो है वो अलग अलग की और उससे तीन प्लांट बनाए। क्रोटोन भी अलग अलग साइज में आता है, तो अगर आप स्पेस के हिसाब से छोटा या बड़ा साइज देख सकते हैं। ये काफी कलरफुल आते हैं और काफी डिजाइन की इनकी पत्तियां होती है। तो आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको तरह तरह के जो है इसके डिजाइन वाले जो पौधे वो मिल जाएंगे। तो आप रंग बिरंगा जो पौधा होता है वो लेके आइए, उससे आपके बाथरूम में जो है चार चांद लग जाएंगे। देखने वाले भी देख रहे हैरान हो जाएंगे कितने खूबसूरत पौधे आप कहां से लाए। इसे ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग ना करें, इसे कटिंग से उगाया जा सकता है। ये भी इस पौधे को भी आप ब्राइट लाइट में रखिए, इसको आप कटिंग से इजिली ग्रो कर सकते हैं, ये कटिंग से इजिली ग्रो हो जाते हैं। नंबर 7 चाइनीज एवरग्रीन। ये पौधा दिखने में काफी खूबसूरत है, इनको ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग कभी ना करें, अदरवाइज आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा। इसको अगर बाथरूम में आप लगाते हैं तो इसको ऐसी जगह पर रखिए जहां इस पर पानी ना पड़े, यानी कि अगर इस पर रेगुलर पानी गिरता रहा तो ये सड़ जाएगा और आपका पौधा जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसको भी आप अपने बाथरूम के अंदर ऐड कर सकते हैं और बाथरूम को जो है डेकोरेट कर सकते हैं। नंबर 8 पेस लिली। पेस लिली काफी खूबसूरत प्लांट है, इसकी भी देखभाल कम करनी होती है। इसे रेगुलर वाटरिंग पसंद है लेकिन सोइल वेल ड्रेन होना चाहिए, ये नहीं कि आपका सोइल वेल ड्रेन नहीं है और आप पानी देते जाएंगे तो जो प्लांट है वो खराब हो जाएगा। बाथरूम की ह्यूमिडिटी इसे काफी पसंद है, इसमें फूल भी आता है जो कि सफेद या लाल रंग का हो सकता है, एक्चुअली में वो पत्ती के जैसा ही होता है। इसके सोइल को कभी भी पूरी तरह से सूखने ना दें, उसके अंदर नमी जो है वो बना के रखें। अगर आपके पौधे पर फूल ना खिले तो इसको थोड़ा सा आप सनी एरिया में रख सकते हैं, यानी कि बाथरूम में जहाँ पे थोड़ी सी धूप आती हो खिड़की के पास वहां रख दीजिए। और फ्लोवरिंग के समय आप इसमें लाइट फर्टिलाइजर कर सकते हैं। नंबर 9 जीज प्लांट। ये पौधा इतना खूबसूरत है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कह ही नहीं सकते कि ये रियल प्लांट है, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है वो काफी थिक होती है, तो ये ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल प्लांट है। ये कम रोशनी में अच्छे से ग्रो करता है, इसे अगर ज्यादा लाइट मिले तो इसकी पत्तियां जो है वो साइडों से पीली होने लगती है। ये एक ऐसा पौधा है जो आप बाथरूम में कहीं भी रख सकते हैं, यानी कि अगर वहाँ पे रोशनी नहीं आती है तो भी आप वहाँ पे रख सकते हैं, ये वहाँ पे भी सर्वाइव इजीली करता है। तो इसके लिए आपको स्पेशल जगह देखने की जरूरत नहीं है बाथरूम में कि इसको कहाँ पे रखें, आप इसको कहीं भी रख दीजिए ये वहीं पे सर्वाइव कर जाएगा। तो ये कुछ पौधे थे जिनको आप अपने बाथरूम में लगाकर बाथरूम को डेकोरेट कर सकते हैं, बाथरूम की जो हवा है उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो आप भी इन पौधों को ले आइए और अपने बाथरूम के अंदर लगा लीजिए। आपको इनमें से कौन सा पौधा जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आपके पास इनमें से कौन कौन से पौधे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।